नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ वृश्चिक लगन व धनु राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 का राशिफल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वृश्चिक लगन व धनु राशि के लिए अगस्त का माह कैसा जाएगा। वृश्चिक लगन का क्या अर्थ है कि आपकी जन्म कुंडली में जो लगन कुंडली है उसमें पहले भाव में 8 नंबर का अंक लिखा है, इसका अर्थ है आपका वृश्चिक लगन है। और चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है 9 नंबर के अंक में, इसका अर्थ है आपकी धनु राशि। अगर आपका वीडियो कॉम्बिनेशन वृश्चिक लगन व धनु राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। वृश्चिक लगन में ग्रहों की बात करें तो वृश्चिक राशि में केतु लगन में चल रहे हैं, शनि महाराज वक्री अवस्था में तीसरे भाव में, देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में वक्री अवस्था में, सप्तम भाव में राहु, माह के आरंभ में सूर्य व बुध की युति कर्क राशि में, और 15 अगस्त के बाद सूर्य जो है सिंह राशि में चले जाएंगे जहाँ बुध और मंगल के संग युति करेंगे, और 26 अगस्त से एकादश भाव में बुध व शुक्र की युति। धनु राशि से बात करें तो शनि महाराज जो हैं वक्री अवस्था में कुटुंब के भाव में हैं, और देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में तीसरे भाव में, राहु छठे, कर्क राशि में सूर्य व बुध माह के आरंभ में, और उसके बाद 15 अगस्त से सूर्य व बुध सिंह राशि में नवम भाव में, और दशम भाव में बुध व शुक्र का नीच भंग राजयोग, और दशम भाव में वृश्चिक द्वादश भाव में वृश्चिक राशि के केतु। अगर आपका वृश्चिक लगन व धनु राशि का कम्बिनेशन है तो मेरा ये मानना है कि ये कम्बिनेशन अगस्त के माह के लिए बहुत अच्छा है। अगस्त के माह में इस कम्बिनेशन के जातकों के कम से कम 55% के करीब काम बनने की संभावना है। इस समय वृश्चिक लगन में शनि महाराज जो है इस समय जो है तीसरे भाव में चल रहे हैं, वक्री हैं पर तीसरे भाव में चल रहे हैं और तीसरे भाव का अच्छा फल देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो चौथे भाव में चल रहे हैं जहाँ से उनकी दशम भाव पर दृष्टि है, साथ ही वो वक्री होने के कारण आपके भाग्य भाव को और आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं। और इस समय दशमेश सूर्य स्वराशि के हो जाएंगे 15 अगस्त से, और यहाँ पे ही कुछ स्थिति यहाँ पे भी आगे चल के ये स्थिति होने वाली है कि दशमेश सूर्य जो हैं वो कन्या में प्रवेश करने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है कि वृश्चिक लगन अगर धनु राशि के आपका कम्बिनेशन है तो आपके लिए कैरियर में आगे बढ़ने का समय आ गया है। वर्ष 2021 का ही वो समय है जब आप कैरियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, और आपके कैरियर में आगे बढ़ने का समय वृश्चिक लगन व धनु राशि के लिए जो सब शुरू होता है वो 15 अगस्त से लेकर 13 अक्टूबर तक। अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो इस अवधि में आपको जॉब मिल सकती है। आप वर्तमान जॉब को बदलना चाहते हैं तो आप जॉब बदल सकते हैं। आप अपने प्रमोशन के लिए प्रयास थे तो आपकी प्रमोशन हो सकती है। तो 15 अगस्त से 13 अक्टूबर तक कैरियर के लिए आपका शानदार समय है, जब आपके कैरियर में आगे बढ़ने की गति बढ़ेगी। आप जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, व्यापारी वर्ग अपना नया काम शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए 55% तक ये कम्बिनेशन आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला है, और धीरे धीरे आप देखेंगे 15 अगस्त से जो समय शुरू हो रहा है आने वाले दिनों में आपके लिए काम की परिस्थितियाँ और अधिक बेहतर होंगी। जब अभी तो वृश्चिक लगन में, उसके बाद धनु राशि से भी सूर्य बहुत बढ़िया हो जाएंगे, तो दोनों राशियों लगन और राशि जब सूर्य पॉजिटिव हो जाएंगे तो काम आपका बेहतर रहेगा। वृश्चिक लगन व धनु राशि के आधार पर दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखने की जरूरत है। यहाँ पर सप्तमेश शुक्र जो है अपनी नीच राशि में है, इसलिए सावधानी रखने की जरूरत है। तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव या गलतफहमी आ सकती है। साथ ही अगर आप व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो उसमें भी थोड़ी सावधानी रखने की आपको जरूरत है। धन के लिए माह अच्छा संकेत दे रहा है। अगर आपको कहीं से धन आने का इंतजार था तो धन के लिए संकेत शुभ है। आपका विदेश यात्रा का संकेत आ रहा है कि अचानक आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, या आप अपना वर्तमान जगह से स्थान परिवर्तन अगस्त के माह में कर सकते हैं। संतान को लेकर इस माह आपको किसी प्रकार की चिंता परेशान कर सकती है, संतान को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपका वृश्चिक लगन व धनु राशि है तो आप देखेंगे कि आपका सरकार से जुड़े कामों में जो काम रुक रहे थे उन कामों में तेजी आएगी। और अगर आपका गवर्नमेंट ऑफिस में किसी प्रकार का काम पड़ता है तो वो काम भी आपका तेजी से हो जाएगा जो काम आपका रुका हुआ था। तो ओवरऑल कामों में गति आने का समय है। हाँ, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की नेग्लिजेंसी नहीं करिएगा। अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे इस समय, तो इस समय मान के चलिए 15 अगस्त से 13 अक्टूबर तक ये समय कैरियर के लिए ऐसा है वृश्चिक लगन व धनु राशि के लिए कि अगर आप सही समय पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे और कामों को सही ढंग से करते रहेंगे तो निश्चित समय ये तय है कि ये कैरियर में जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस माह आप ले सकते हैं। 15 अगस्त से लेकर 13 अक्टूबर तक ये समय कैरियर के लिए आपके लिए शानदार निकल के आया है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था वृश्चिक लगन व धनु राशि के लिए का ये कम्बिनेशन है। 54% तक काम मिलने की संभावना है। अगर आपकी दशाएँ भी अनुकूल हुई तो 100% आपका काम होने वाला है इस कम्बिनेशन में। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं
और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।